नमस्कार, स्वागत है आपका डीबी भारती समाचार में। मैं हूं आपके साथ वर्षा वर्मा। गोरखपुर जोन के अपर पुलिस महानिदेशक अखिल कुमार सिद्धार्थनगर जिले में 2 दिवसीय दौरे पर हैं। अपर पुलिस महानिदेशक ने अपने दौरे से पहले पुलिस लाइन में जनसुनवाई की। इसी बीच एडीजी अखिल कुमार के सामने करीब 10 मामले आए, जिनमें से 8 मामले राजस्व विभाग से संबंधित थे। मीडिया से बात करते हुए अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन ने कहा कि सिद्धार्थनगर जिले में राजस्व के बहुत ज़्यादा मामले हैं। इन मामलों में पुलिस और जिला प्रशासन की टीम में समन्वय बनाकर काम करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि वे पुलिस कप्तान और जिलाधिकारी के साथ बैठक कर इन मामलों को किस तरह कम समय से हल किया जा सकता है, इस पर विचार करेंगे। अपर पुलिस महानिदेशक ने बताया कि इस सरकार में एक नई व्यवस्था शुरू की गई है। पब्लिक पुलिस के बारे में क्या सोचती है, इसका फीडबैक भी लिया जा रहा है। थाने से लेकर डीजीपी कार्यालय तक थानों में दर्ज मामले की फीडबैक लगातार ली जा रही है और इसी फीडबैक के आधार पर आने वाली कमियों को दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। आपको बताते चलें कि गोरखपुर क्षेत्र के अपर पुलिस महानिदेशक निखिल कुमार मौजूदा समय में सिद्धार्थनगर जिले में 2 दिवसीय दौरे पर हैं। निखिल कुमार इस दौरान सिद्धार्थनगर जिले के विभिन्न थानों में जाकर जमीनी हकीकत का मुआयना करेंगे, साथ ही पुलिस लाइन के मौजूदा स्थिति का भी निरीक्षण करेंगे। देखिए, जो जनता से यहाँ पर मैं मिला हूँ और जो मेरा अपना अनुभव आया कि ज़्यादातर यहाँ पे राजस्व के मामले 80-90% आए, राजस्व से जुड़े मामले हैं जिसमें फौजदारियाँ हो रही हैं, और उस जो रिलीफ सिस्टम है उसमें जो उनको पब्लिक को रिलीफ मिलनी है उसको डिलीवरी सिस्टम में हमें थोड़ा वर्क करने की ज़रूरत है। इस संबंध में मैंने पुलिस अधीक्षक के साथ वार्ता की है और हम कुछ नया इसमें क्या बेहतर कर सकते हैं इस पर विचार विमर्श करके हम योजना बना रहे हैं। उस योजना के तहत हम लोग ये भी विचार कर रहे हैं कि प्रतिदिन थोड़े समय के लिए आधे घंटे डीएम और एसपी सिर्फ राजस्व के मामलों में प्रतिदिन बैठे, क्योंकि जब तक दोनों साथ बैठेंगे तो उनको एक आइडिया भी लगेगा और दोनों के साथ बैठने से बेहतर निस्तारण होगा। तो ये एक विचार आया है और ये अभी जिलाधिकारी के साथ बात करके उसके क्रियान्वयन पर प्रयास करेंगे। एक जो व्यवस्था हम लोग नई व्यवस्था प्रयास कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि जो हमारा मूल्यांकन है अभी व्यवस्था में वो हम लोग का इंटरनल व्यवस्था है, उसमें पब्लिक का फीडबैक नहीं है। तो हमने अभी हाल में एक व्यवस्था शुरू की है जिसमें जनता क्या सोचती है हमारे बारे में, उनका कैसा एक्सपीरियंस है पुलिस के बारे में या पुलिस व्यवस्था के बारे में, वो लेना शुरू किया है। उसके कई पिलर हैं जिसमें जैसे मुख्यमंत्री के स्तर से माननीय मुख्यमंत्री के कार्यालय से एक IGRS की व्यवस्था है जिसमें लोग जन शिकायत भेजते हैं, उसमें जनता की संतुष्टि का क्या प्रतिशत है। इसके अलावा हम ट्विटर पे पोल कराते हैं, हर पुलिस अधीक्षक थाना स्तर पे भी हो रही है, डायरेक्ट पोल भी करा रहे हैं। बहुत लोग ट्विटर पे नहीं है, वो व्हाट्सएप पे हैं, तो उनको हम लोग अलग से लिंक बना के भेजते हैं। इसके अलावा परिक्षेत्र स्तर पर एक हम लोग का एक फीडबैक ऑफिस है जो समस्त FIR और NCR जो हो रहे हैं उसमें वो फ़ोन करते हैं उनसे और उनका अनुभव पूछते हैं और उनके आधार पर रेटिंग तय करते हैं। और एक अंतिम है, वो है आप जानते हैं 112 में जनता फ़ोन करती है और पुलिस रिस्पॉन्ड करती है, तो उनसे भी फीडबैक लिया जाता है। इन सभी चीज़ों को जोड़कर एक एवरेज निकालते हैं और उसके आधार पर एक उनकी एक अप्रूवल रेटिंग देते हैं और उस रेटिंग के आधार पर एक बेंचमार्किंग मिलती है सभी को कि वो कहाँ पर है और अगले महीने उनको कैसे उसमें सुधार ला सकते हैं। तो ये एक नई व्यवस्था है जिसमें हम जनता के प्रति हम कैसे उत्तरदायी हो उसको लाने की कोशिश की जा रही है। वो फीडबैक बहुत इम्पॉर्टेंट है, मैं आपके माध्यम से आह्वान करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये 1 से 7 के बीच में जब हमारी पोलिंग होती है उसमें पोल करें, वो अपने अनुभव साझा करें। ट्विटर पर वो लिख भी सकते हैं अगर उनकी कोई शिकायत है और किस तरह उनका अनुभव ख़राब हुआ, वो भी लिख सकते हैं, ताकि हमको उन फीडबैक के आधार पर सुधार करने का मौका मिले, हम बेहतर कर सकें, ये हमारा प्रयास है। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।